हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फाइनली कोस्ट गार्ड के अंडर जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्टें निकली थी उसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होने का लिंक है, कोस्ट गार्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, 24 मई जैसे कि आज 2019 से इसके अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं और 4 जून 2019 को इसकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट डिस्कस किया था कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और क्या आपका एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और कौन कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें क्या आपकी परसेंटेज चाहिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि असिस्टेंट कमांडेंट के अंडर जो डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसियां हैं उसके अंडर कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फोन से ही कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि फोटो और सिग्नेचर को कैसे आपने रिसाइज करना है और कैसे फोन से ही आप इसके कंप्लीट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इसके अंडर आपकी 5 वैकेंसियां यहाँ पे रहेंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। जैसे कि जनरल ड्यूटी के लिए आपकी यहां पे बैचलर डिग्री, कोई भी आपकी बैचलर डिग्री यहां पे चल जाएगी, लेकिन उसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स जो है होने चाहिए जनरल ड्यूटी और जनरल ड्यूटी एसएसए के लिए। तो यहां पे जनरल ड्यूटी एसएसए के लिए फीमेल्स फॉर्म फिल कर सकते हैं और जनरल ड्यूटी के लिए सिर्फ और सिर्फ यहां पे मेल फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे आप देख सकते हैं और एजुकेशन का भी यहां पे देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसियां रहेंगी इनका यहां पे क्या एजुकेशन का और एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। उस वीडियो को आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले देख लें कि उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली देख लें। तो फ्रेंड्स, यहां से आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट जो है कोस्ट गार्ड की, यहां से एडवर्टाइजमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट से यहां से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहां पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना बता देता हूं कि सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहां पे आ जाना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे अपॉर्चुनिटीज में क्लिक करना है। तो अपॉर्चुनिटीज में क्लिक करने के बाद आपको यहां पे ये पेज ओपन होकर यहां पे आ जाएगा। तो ध्यान दें कि असिस्टेंट कमांडेंट के अंडर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसके अंडर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पे अलग वैकेंसियां जो है वो रहेंगी और जो स्टूडेंट्स फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहां पे वैकेंसियां रहेंगी। जब आप वहां पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो उसी के हिसाब से आपकी वहां पे पोस्ट भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ध्यान दें कि 24 मई अभी इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गया जो मैं आपको बताने वाला हूं और लास्ट डेट इसकी 4 जून 2019 को है फॉर्म फिलअप करने की। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप उस वीडियो को देख लें कि आपने कौन सी क्वालिफिकेशन कर रखी है और कौन सी पोस्ट के लिए आप सूटेबल है और उसी के हिसाब से आप यहां पे ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद आप यहां पे जेंडर दे सकते हैं, मेल फीमेल आप अपना यहां पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फीमेल वालों के लिए आप यहां पे देख सकते हैं 3 पोस्टें यहां पे रहेंगी जिसमें लॉ डिग्री असिस्टेंट कमांडेंट के लिए और जनरल ड्यूटी मैंने आपको बता दिया कि बैचलर डिग्री यहां पे आपको चाहिए 60% के साथ और यहां पे असिस्टेंट कमांडेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस का वीडियो में देख लेंगे इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो यहां पे मेल के लिए आप देख सकते हैं सारी की सारी वैकेंसी यहां पे 5 की 5 रहेंगी। उसके बाद आप यहां पे आई एग्री कर देंगे पोस्ट सेलेक्ट करके। तो फ्रेंड्स, यहां पे आई एग्री करने के बाद आप यहां पे ओके कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी का यहां पे कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म ओपन होके यहां पे आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये पूरा आपके मोबाइल में ऑनलाइन फॉर्म ओपन नहीं होता है तो आप यहां पे डेस्कटॉप साइट पे जाएंगे, यहां पे टिक कर देंगे तो यहां पे आपके पास पूरा जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं पूरा इसका क्या रहेगा, उसके बाद मैं आपको यहां पर कंप्लीट फॉर्म फिल करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पर आपको बेसिक से डिटेल अपना नेम मेल आई डी सही से डाल दी है जिससे आपका फर्दर भी कंटेक्ट हो पाए। उसके बाद आपको अपने यहां पे एड्रेस परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस दोनों यहां पे डालेंगे अगर आपका है। उसके बाद आपको यहां पे सेंटर चॉइस करना है। उसके बाद यहां पे एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो आप यहां पे वो भी टिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है। अगर आपने जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई किया तो यहां पे आपकी ग्रेजुएशन जिसमें आपने कर रखी है बीए बीएससी या फिर बीकॉम या फिर कोई बीटेक वाला यहां पे अप्लाई कर रहा है तो वो यहां पे ग्रेजुएशन ही यहां पे टिक करेगा। तो यहां पे ये सारी टिक करने के बाद उसके बाद आपको यहां
यहाँ पे अपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स के नंबर यहाँ पे डालने हैं प्लस टू के, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स फोटो का आप यहाँ पे साइज देख सकते हैं 10 और 40 KB के बीच में आपका यहाँ पे फोटोग्राफ का साइज मांगा हुआ है, और सिग्नेचर के लिए यहाँ पे 10 से लेकर 30 KB के बीच में आपके पास यहाँ पे साइज मांगा गया। तो फ्रेंड्स फोटो और सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करना है वो मैंने पहले से वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि फोन से ही आप कैसे अपने फोटो और सिग्नेचर को अच्छे तरीके से रिसाइज कर सकते हैं 10 और 40 KB के बीच में, और फिर यहाँ पे सक्सेसफुली चूज फाइल करके अपनी गैलरी से उठा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट देख लेंगे फोटो और सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करना है, फोन से ही कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताई हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी इंप्लॉय डिटेल्स, अगर आपने इज सर्विस पर्सनल में है तो यस, नहीं तो नो यहाँ पे रहने देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे प्लेस और डेट यहाँ पे ऑलरेडी है, उसके बाद सही से कैप्चर डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको यहाँ से एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक करके आपका जो फॉर्म है वो एज अ PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे रहेगी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अब मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन बता देता हूँ कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपना यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे आप, उसके बाद अपना यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे, उसके बाद मदर नेम अपना यहाँ पे सही से लिखेंगे, उसके बाद अपना यहाँ पे ईमेल आईडी आप अपना सही से देंगे, उसके बाद अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सही से डालेंगे, उसके बाद अपने यहाँ पे कैटेगरी आप सही से सब कुछ सही से करेंगे, मैरिड स्टेटस यहाँ पे अनमैरिड कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर आप स्विमिंग जानते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे बेसिक से डिटेल्स डाल के यहाँ पे नेशनल लेवल का अगर आपने कोई स्पोर्ट्स भी खेला हुआ है वो भी यहाँ पे यस करेंगे, उसके बाद व्हाट्सअप कोस्ट गार्ड यूनिफॉर्म पर्सनल है जनरल कैटेगरी तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि इज योर फादर सर्विंग रिटायर्ड फ्रॉम द डिफेंस, अगर आपके फादर ने सर्व किया हुआ है डिफेंस में या फिर वो रिटायर्ड है तो यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं है तो नो रखेंगे। उसके बाद सर्विस टाइप यहाँ पे फादर के लिए ही आएगी अगर हैं वो तो। उसके बाद अपनी यहाँ पे बेसिक से डिटेल्स आपको डालनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप सही से अपना डालेंगे, उसके बाद अगर आपका यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और आपने जो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरा है अगर ये दोनों अलग अलग है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस भी डालेंगे, नहीं तो अगर आपका जो परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद अपना यहाँ पे चॉइस भरेंगे जहाँ पे आप पेपर देना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ सेंटर करनी है, तो यहाँ से नियरेस्ट वाला यहाँ पे कोई भी आप अपना सेंटर जो है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना NCC सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास यहाँ पे है ABC कोई भी है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीवियस अटेम्प्ट अगर आपने पहले कभी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अटेम्प्ट दिया हो तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी प्लस टू की अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देनी है, प्लस आपको यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन जो अगर आपने सेलेक्ट की हुई है, अगर आप BTech से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरी जो आपकी 8 सेमेस्टर की परसेंटेज रहती है वो आप यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद प्लस टू की भी आपके यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स भी लिखने और ऑब्टेंड आपने कितने किए वो भी लिखने, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज लिख के आपको यहाँ पे अपनी प्लस टू की फिजिक्स और मैथमेटिक्स के नंबर लिखने। तो यहाँ पे आप क्लियर तरीके से भर लेंगे कंप्लीट पूरा फॉर्म, यहाँ पे आप ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सिमिलरली आप ग्रेजुएशन का भी यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे 12th का डालेंगे कि कौन से बोर्ड से आपने अपनी प्लस टू की हुई है, उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने कौन से यूनिवर्सिटी से की हुई है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे अपने प्लस टू के मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन का इन्होंने ईयर वाइज पूछा हुआ है, ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे अपने सारे ईयर के मार्क्स डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस टू के डाल देते हैं, पहले टोटल कितने हैं
और आपने कितने लिए हुए हैं, यहाँ पे आप वो लिखेंगे जितने आपने स्कोर किए हुए, उसके हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज भी बन जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स ग्रेजुएशन, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बीटेक वाले हैं उनको यहाँ पे अपने सेमेस्टर वाइज अपने नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे आप ईयर वन का लिख देते हैं कि आपका सपोज 500 है, यहाँ पे भी आपका 500 है, यहाँ पे भी 500 है। उसके बाद यहाँ पे आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो भी आप लिख लेंगे ईयर वाइज। तो फ्रेंड्स ये वाली इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमए में की हुई है या फिर एमएससी या फिर एमकॉम में की हुई है तो आप यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे, नहीं किया तो आप यहाँ पे नहीं डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिक्स और अपने मैथमेटिक्स के आपके यहाँ पे मैक्सिमम नंबर भी डालेंगे और यहाँ पे जितने आपने लिए हुए वो भी डालेंगे। तो फ्रेंड्स सारी डिटेल्स यहाँ में मैंने फिलअप कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लास्ट ऑप्शन आ रहा है आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप चूज फाइल पे जाएंगे, पहले से आपने फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करके रखना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से रिसाइज कर रखा है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे अपना फोटो उठाना है अपना गैलरी से जो आपने रिसाइज पहले से कर रखा है। तो यहाँ पे आप अपनी गैलरी में जाके डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली आप यहाँ से सिग्नेचर को भी करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर दोनों मैंने यहां से चूज कर लिए हैं। उसके बाद आपको अपनी यहां पे बेसिक सी डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अगर आपकी हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप यहां पे नो ही रहने देंगे। उसके बाद प्लेस आप यहां पे अपने लिखेंगे। उसके बाद सही से अपना यहां पे कैप्चर डाल लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे डाल चुका हूं मैं यहां पे, एक यहां पे कैप्चर में थोड़ी सी हो गई, फोर यहां पे भी आएगा। तो फ्रेंड्स कैप्चा यहाँ पे सही से डालने के बाद आप एक बार अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है। तो यहाँ पे सही से चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सबमिट। तो फ्रेंड्स सबमिट करने से पहले ध्यान दें कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है ऊपर उसके सारे आपने आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके नेम के वो सही होने चाहिए, फादर मदर सब के। उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे। तो फ्रेंड ओके करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स आपके पास आ जा रही हैं। तो यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन और जो आपकी परसेंटेज रहेगी जो अपनी एजुकेशन डिटेल्स में डाली हैं वो सारी यहाँ पे सही होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे कर देंगे ओके। तो फ्रेंड ओके करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेशन नंबर जो आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओके मैं कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो ओके करने के बाद जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे एप्लीकेशन जो मेरी यहाँ पे है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ से मेरे को मिल गया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे कमांड देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन में कमांड देने के बाद ड्यू टू सेक्शन एक्सपायर प्लीज रिफिल योर एप्लीकेशन वंस अगेन। तो इस बात का आप यहाँ पे खास ध्यान रखें, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती होती है यहाँ पे कि वो डायरेक्टली प्रिंट कमांड में बिना स्क्रीनशॉट लिए वहां से आ जाते हैं। तो यहाँ पे उनको ना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे अपना याद रहता है और ना ही अपना वहां पे एप्लीकेशन नंबर याद रहता है, जिसके वजह से उनका फिर ऑनलाइन फॉर्म दोबारा फिल नहीं होता। तो यहाँ पे वैसे भी रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसे ही जो एप्लीकेशन नंबर है वो ऐसे ही स्क्रीनशॉट हो गया, तो दोबारा से मैं उसको वहां पे प्रिंट एप्लीकेशन में डाल के वहां से डायरेक्टली प्रिंट आउट ले सकता हूं। 14 जून 2019 तक आप इसके प्रिंट आउट को सक्सेसफुली निकाल सकते हैं। आप जैसे ही वहां पे प्रिंट पे कमांड देंगे तो डायरेक्टली आपके जो गूगल का क्रोम ब्राउजर डायरेक्टली उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेगा और सक्सेसफुली आपका जो वहां से फॉर्म है वो डायरेक्टली आपके मोबाइल में प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसका जो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंडर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्टें निकली हैं ग्रेजुएशन बेसिस स्टूडेंट्स के लिए और इंजीनियरिंग बेसिस स्टूडेंट्स के लिए, तो इस तरीके से उसके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फोन से ही कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि कैसे उसके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे विद इन सेकेंड्स में रिप्लाई करूंगा और आपके प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया मौका यहां पे मिल रहा है आपको कोस्ट गार्ड से जुड़ने के लिए एज असिस्टेंट कमांडर जनरल ड्यूटी, और भी यहां पे जनरल ड्यूटी ऐसे ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पे निकला हुआ है और टेक्निकल की भी यहां पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसियां रहेंगी। उसका कंप्लीट जो एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि उस वीडियो को अच्छे से देख लें एक बार ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी नई अपडेटेड वीडियो से अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।